जय माता जी, राम राम सीताराम। देखो इसमें हमारा अर्जुन एक नया बच्चा आया ना, आराम फरमा रहा है सुबह 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 8 बजा होगा, ये ना 8 बजा है, ये ना 8 बजा है सुबह सुबह। इसकी माँ का दूध पी के आराम, ये ना आराम कर रहा है, बढ़िया मजा है इसको। इधर बालू है, इसमें बालू डाला हुआ है, और ये इसकी माँ है, अजाइबी नाम है। आगे वाला कोई पैर तो बढ़िया नहीं है, लेकिन कलर इसका बहुत बढ़िया है। सर्विस भी हो गई है हमारे देवा भाई ने किया है, और खाना भी इसमें मूंग की, जो मूंग का पाला आता है, और नीरा भी बोलते हैं कोई, हमारे तो इधर इसको मगोट बोलते हैं, ये भी डाला हुआ है। सबको सुबह सुबह ये ही मिलते हैं। इधर हमारा महादेव है, महादेव बसेरा है, ये सुबह सुबह सर्विस हो गया है। मैं तो अभी आया, देखो ये मेरे हिसाब से 14 मंथ के आसपास का है, 14 मंथ के आसपास का है ये। 19 तारीख आएगी ना, तब 14 मंथ का हो जाएगा। अभी तो मेरे हिसाब से आज 10 तारीख है, 10 तारीख है। ये फूल में कपार में एक फूल है, और उसमें भी एक दूसरा टिल्ला है, और देख ज़्यादा सफ़ेद है। देखो उसके ये जो चामड़ी आती है ना, वो भी सफ़ेद है इसमें। ये डबल टिलक वाला है, ये डबल टिलक है इसमें। ये नीचे आप भी देख सकते हैं, मैं रुकता है तो दिखाता हूँ आपको थोड़ा। देखो ये तिलक है, ये तिलक के अंदर एक सफ़ेद चामड़ी भी सफ़ेद है इसकी, तिलक के अंदर। देखो ज़्यादा खड़ा नहीं रहता, बस 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 बस, बस। देखो एक तिलक में 2 तिलक है इसको, ये यहाँ चामड़ी भी सफ़ेद है, ये इतना में थोड़ा में, ये एक तिलक जितनी इतना में ही सफ़ेद है। यह बॉन्ड का घोड़ा होगा, यह ना बढ़िया घोड़ा होगा, नाम भी इसका महादेव है। चारों पैर ब्लैक है, ये इतना ताकत वाला आता है चलने में। हमारे इधर ब्लैक गुड़ा वाला इसको बोलते हैं, काढ़ा गुड़ा उनो, बहुत हैवी, यानी बहुत हैवी घोड़ा आता है। साथ ही बात ये देखो, इतनी सौड़ी है, बहुत बड़ी सौड़ी है, डरपोक भी बहुत है, और इसका पुट्ठा पुट्ठा बहुत बड़ा है। और भी एक बताते हैं, यानी और भी हमारा तूफान बताते हैं। ये लीड हमेशा उठाते हैं हर 2 घंटे में, यानी हर 2 घंटे में, क्योंकि हर 2 घंटे में ये लीड नहीं उठाएगी ना, तो हमारे इधर ये बालू आती है ना, रेत बहुत महंगी आती है, तो हर 2 महीने 3 महीने बदलने के लिए बहुत खर्चा आता है। और अभी ये कलर काम तो बंद है, बारिश तंग कर रही है, ये ना बारिश तंग कर रही है। ये हमारा तूफान बताएंगे, ये भी 27 तारीख को ये तूफान हो जाएगा 14 मंथ का, पक्का गारंटी वाला। ये कुंडा है उसका कान, देखो आप, यानी कि कान उस कुंडा है, ऐसा कोई कान नहीं है उसका। माँ का जो पिताजी था ना, उसको कुंडा ही बोलते थे। बड़ी साथी है इसका, पैर नहीं अड़ेगा। ये साथी बड़ी होती है ना, तो ये पैर जब सलता है ना, तब पैर नहीं अड़ता। जितनी भी सौड़ी साथी होगी ना इतना, ये देखो देवमणि है 1/2 फीट की। यहाँ आपको दिखाएगी नहीं दिखाएगी तो मालूम नहीं, ये है, ये चारों पैर पेंटिंग किया होगा ना, ऐसा है उसका। नाना है ना, वो सिकंदर घोड़ा है, पंजाब में खड़ा है, ये ऐसा ही बनेगा उसका, माँ का बाप जैसे ही होगा, ये इतनी हाइट वाला होगा, इतना बड़ा होगा। ये पूरा पस कल्याण है, अभी तो सर्विस नहीं हुआ है, सर्विस को दूसरे की बारी चल रही है,
देखो ये आपको, मेरे पास तो माँ मेरी ऊंचाई और लंबाई 6.5 फीट है तो नहीं दिखाई देता है ना, मेरे पास तो ये कोई घोड़ा बड़ा नर घोड़ा होगा वो तो वो भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि मेरी ऊंचाई 6.5 फीट है। तो देखो ये हट्टा कट्टा भी बढ़िया है और उसको हमेशा उसको गाय का दूध 15 लीटर मिलता है, सुबह 7.5 लीटर और शाम को 7.5 लीटर। तूफान ने देवा भाई कार सर्विस की रो दो, काले की रो दो आज करवा दो तूफान। तो ये बारिश के वजह से थोड़ा मिट्टी मिट्टी तो भरा हुआ है, क्योंकि बालू है ना गीली हो गई है, हमारे इधर तूफान चल रहा था ना तब। ले हाँ हाँ बोली गेंडी देव पुशाप करो ये जो है जरा ये ना गेंडी। देखो ये उसकी गर्दन है ना यहाँ बहुत हैवी है और मोर जैसी रखता है ये, जैसे मोर होता है ना ऐसे गर्दन, तो आपको नर घोड़ा की लगेगी, ये नर घोड़ा की लगेगी। ये हमारे से इसलिए हम बढ़िया घोड़ा है ऐसा नहीं बोल रहा है ये, हम तो हमारा बढ़िया होगा तो बढ़िया बताते हैं, हमारा ही बढ़िया नहीं होगा तो बढ़िया नहीं बताते, जैसा होगा ऐसा बोल देते हैं। इसमें कोई कमी नहीं है बाल भमरी की, ऐसा बच्चा होता है ना उसको सांड घोड़ा बनाते हैं। ये हो सकता है हमारा नाम भी करेगा और काम भी करेगा। ये मैं इसकी माँ बताता हूँ आपको, ये जो डायरक आलिशान है ना उसका बच्चा एक सिकंदर था हमारे इधर, हमारे इधर कारू भाई है, कारू भाई गुलाब दादा, तो गुलाब दादा का लड़का है कारू भाई सुरेंद्र नगर में, वहाँ सिकंदर था। ये हमारी आलिशान है और आलिशान का पिता सिकंदर था। हमारे को तो झूठ बोल के देने वाला ने दी थी ये ना, झूठ बोल के आलिशान की है, तो मैं वहाँ लेने के लिए जब गया था ना तब उसने बोला था कि ये आलिशान की है, मैं बोला आलिशान मर गया है उसको ही 1-2 साल हो गया है तो ये आलिशान की कहाँ होगी, और मेरे को दिया था ना तब बोला था ये 6-7 मंथ की है, मैं बोला ये 6-7 मंथ की नहीं हो सकती, तब भी ये 1 साल के ऊपर थी या ना 13-14 मंथ की, जितना हमारा है अभी तूफान है ना इतनी थी। पर इस ये पूरी पश कल्याण है, एक पैर कम है, थोड़ा थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है, आप भी देख सकते हैं चारों पैर और चारों डाब उसका पूरा सफ़ेद है, और हट्टी कट्टी भी बढ़िया है, और ये गाभिन होती ना तो भी आपको लगेगा खाली है, ये मालूम नहीं पड़ता। ये सिकंदर की बेटी है और उसका बाप है ना उसका नाम सिकंदर है और कुंडा भी बोलता था, ये जो RD गोहिल है ना बनासकांठा में उसके पास भी रिया हुआ था और अभी तो पंजाब में है। तो ऐसा है भाई साहब, और इसको थोड़ा सब्सक्राइब करना और शेयर करना, इसको ये देवमणि बहुत बड़ी है मेरे हिसाब से, 1/2 फुट से भी ज़्यादा ज़्यादा है या ना उनसे भी ज़्यादा है, दिखाई नहीं देती होगी। ये भी जो भी घोड़ा कैसा भी होगा ना तो ये बच्चा देगी ना बड़ा पेट वाली घोड़ी है, बढ़िया ही देगी, क्योंकि इसको टट्टू जैसा घोड़ा बताएगा ना तो भी ये बढ़िया ही देगी, ना बढ़िया देगी बच्चा, इतनी हाइट लेंथ लंबाई उसका पुट्ठा बहुत बड़ा है और शांत भी बड़ी है, बहुत शांत है ना, बहुत शांत रहती है, कभी ये गुस्सा नहीं करती। कान भी इसका ऐसा है बढ़िया कुंडा जैसा ही, इसलिए ये तूफान का कान भी ऐसा आया है, हाइट भी ऐसी ही करेगी। और जो आलिशान होगी 63 के आसपास हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, उसमें कम भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने ट्यूबलेस से उसको कभी नहीं मापा, लेकिन पट्टी से तो मापा था तो ये 60 बता रही है, लेकिन ये जो फिट्टा होता है ना पट्टी उनसे पक्का माप नहीं, ये जो ट्यूबलेस पट्टी आती है ना वो ही होती है तो पक्का माप होता है। देखो उसका आपको पेट पेट और पुट्ठा तो लगेगा ये घोड़ा ही है, नर घोड़ा है, इतनी बड़ी है, इतनी हैवी बॉन्ड की घोड़ी है।
देखो इधर खड़े है, सामने हमारे दूसरी घोड़ी है, वहाँ थोड़ी देखने के लिए गई है, तो इसको थोड़ा सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन का बटन दबाना और आशीर्वाद देना। ये सब तंदुरुस्त रहे और हमारा और अपना देश का नाम रोशन करें। जय माता दी।